हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Redmi फ़ोन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे जिसकी मदद से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है तो आपका फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। अगर इस तरह ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है तो फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। अगर इस तरह भी ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है तो फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। इस तरह भी फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को सही कर पाएंगे। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर फ़ोन चार्ज नहीं रहता है, डिस्चार्ज रहता है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो एक बार आप चेक कर लेना, अगर फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा तो कुछ समय तक अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना, फिर इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को ऑन कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।